am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. आज मैं आपको यहाँ मटर पनीर बनाना बता रही हूँ. मटर पनीर एक बहुत साधारण सी रेसिपी है जो हर घर में बनती है, लेकिन मटर पनीर को खूब अच्छा टेस्टी कैसे बनाया जाए और उसमें घर की ही चीज़ें डाली जाएं, तो क्या कैसे बनाएं वो मैं आपको बता रही हूँ. मटर पनीर में क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपको बता रही हूँ. सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि 2 प्याज की पेस्ट, और इसी में मैंने 2 इंच अदरक और 7-8 लहसुन डाल दिए हैं. मलाई 1/2 कप, 2 टेबलस्पून दही जो कि खट्टा नहीं है, टमाटर की प्यूरी, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसके अलावा पनीर 100 ग्राम पनीर क्यूब्स में काटे हुए हैं, और 1/2 कप मटर जो कि उबली हुई है, प्रिजर्व मटर, धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 चम्मच सब्जी मसाला. जब हम रेड ग्रेवीज बनाते हैं तो इसमें सब्जी मसाला डालते हैं, तो 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून शक्कर. इसके अलावा मैंने इसमें डालना है मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर सब्स्टिट्यूट है मावे का. मटर पनीर एक ऐसी सब्जी है जिसमें पनीर को फ्राई किया जाता है, और ये बहुत पुरानी है. पहले के लोग पनीर को फ्राई करते थे, तो हम यहाँ पे पनीर को फ्राई करने डाल रहे हैं. देखिए, तेज़ तेल होना चाहिए जिसमें हम पनीर डालेंगे. पनीर की क्यूब्स काटी हैं, पनीर को धो के गर्म पानी में डाल के निथारा है. अब उसे डीप फ्राई करेंगे. अगर तेल धीरे रहा तो पनीर उसमें चिपक जाएगा, ये ध्यान रखना. एक एक पनीर इसमें छोड़ेंगे और अच्छी तरह से उसे फ्राई करेंगे. देखिए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ. पनीर कहीं से कहीं नहीं चिपका. पहली बात कि कढ़ाई बहुत भारी है, पतली सी कढ़ाई नहीं लेना है, और दूसरी बात यह कि हमने इसको तेज़ आंच में करा है. तेज़ आंच में पनीर कभी भी बर्तन में चिपकेगा नहीं. और मटर पनीर की मेन बात है कि पनीर फ्राइड होना चाहिए, इसमें कच्चा पनीर ना डालें कभी भी. हम यहाँ बना रहे हैं मटर पनीर. उसके लिए हमने पहले पनीर को फ्राई किया है. फ्राई करके हम अलग रख रहे हैं. अभी यहाँ पे एक पैन गरम रख रहे हैं, और उस पैन में मैं डाल रही हूँ आवश्यकता अनुसार तेल, मतलब 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, है ना. कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं. हमने यहाँ मूँगफली का तेल, हमने इसमें जीरा राई कुछ नहीं डाला है. सीधे इसमें मैं प्याज की पेस्ट डाल रही हूँ. प्याज के साथ लहसुन अदरक भी है, तो प्याज लहसुन अदरक 2 प्याज, 4-5 गार्लिक एंड 2 इंच जिंजर को मैंने पीस लिया एक साथ, और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी. सब्जियों में मसाले को भूनने की इम्पोर्टेंस बहुत रहती है. किस रंग की ग्रेवी को कितना भूनना है ये बहुत विशेष बात होती है. मटर पनीर एक ऐसी सब्जी है जिसमें कि मसाले की सिकाई की बहुत इम्पोर्टेंस है, और दूसरी बात ये कि इसमें तेल छूट के ऊपर आना चाहिए ग्रेवी में, इसलिए मसाले में प्याज कच्चा नहीं रहे, इतना भूनेंगे. जब तक यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भून रहा है, उतनी देर में मैं आपको ये बताऊँ कि हमने यहाँ टमाटो के प्यूरी बनाई है क्यूब में. अब ये क्यूब कैसे बन गई? जब मौसम में बहुत अच्छे टमाटर आते हैं, लाल टमाटर, उन टमाटर को लें, उबालें, एक कप पानी डाल के 5 किलो टमाटर लें, कुकर में विसल लें, फिर ठंडा करें. ठंडा करके मिक्सी में पीस के छानें, और छान के जैसे सपोज 1 ग्लास अपने को प्यूरी मिली है तो वो 1/4 ग्लास रह जाए, इतना उबालें. और उबालने के बाद उसमें कोई कलर, कोई फ्लेवर और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना. आइस क्यूब ट्रे जो होती है फ्रीज़र की, उसमें रख के क्यूब जमा लें, और उन क्यूब को निकाल के डिब्बे में भर के रखें. जब ज़रूरत हमें किसी सब्जी को बनाने की पड़े, उसमें से 2-4 क्यूब निकाल के आवश्यकता के अनुसार हम इसमें डाल सकते हैं. हमारे पास उबले हुए मटर हैं. अब ये मटर भी हमारे फ्रीज़र में प्रिजर्व हैं. मौसम के समय में जबकि अच्छे मटर आते हैं, कच्चे और नरम मीठे मटर, उन मटर को लें, छीलें, और उबलते हुए पानी में नमक और शक्कर 1-1 मुट्ठी डाल दें, और उसमें हम मटर डाल के उसे पका लें. जब वो बहुत अच्छे से पक जाएं, मतलब कि इस वक्त हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पके हुए हैं, है ना. जब ये पक जाएं, तब हम इसे छान दें, और छान के छोटे छोटे जिप लॉक में भर के हम उसको फ्रीज़र में रख दें.
जब जरूरत पड़े उतना जिप लॉक निकालें और उसको हम यूज कर लें। तो यहाँ पे हमने यही करा है कि मटर हमने प्रिजर्व मटर लिए हैं। यहाँ पे देखिए प्याज लहसुन अदरक बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए जो ज़्यादा काला सा दिख रहा है वो लहसुन अदरक है, वो ज़्यादा जल्दी भुन के चिपकने लगता है। और ये प्याज है, देखिए तेल पूरा छोड़ दिया है। और इस वक्त इसमें पड़ेगी रेड चिली पाउडर। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कि उसका कलर अच्छा आ जाए, है ना। और इसके बाद इसमें डालेंगे, हाँ इसमें हमने लाल मिर्ची डाली, सब्जी मसाला डाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालूंगी। ये मैं स्पाइसी का धनिया डाल रही हूँ और इस समय मैं यहाँ पे स्पाइसी का हल्दी डाल रही हूँ उसमें। ये बहुत ही अच्छी टाइप के मसाले हैं जिसको मैं अपने क्लासेस में यूज़ करती हूँ। और मैंने ये सब मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो की प्यूरी। टमाटर उबाल के पीस के हमने प्यूरी बना रखी है। स्मूथ ग्रेवी के लिए हमेशा प्यूरे का यूज़ करें। टमाटो प्यूरे कैसे बनाना ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो टमाटर की प्यूरी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, क्योंकि आइस क्यूब है जमी हुई है, जैसे ही ये मेल्ट होती है वैसे ही हम इसमें डालेंगे दही। हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दही, 2 टेबलस्पून दही है। दही हमेशा ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर खट्टा दही है और डालना ही पड़ रहा है तो कम क्वांटिटी कर दें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि टमाटर भी है दही भी है, बहुत खट्टा हो जाएगा। और इसलिए इसमें शक्कर ज़रूर डलती है मटर पनीर में। तो 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इतना रिड्यूस करेंगे कि ये पूरा तेल छोड़े। खूब अच्छे से तेल छोड़े। इसी में भूनते समय मैं थोड़ा हरा धनिया डालूंगी। मेरी आदत है थोड़ा धनिया मैं भूनते समय डालती हूँ ताकि उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और आपको ये बताऊंगी कि किसी भी सब्जी में एक बार में एक ही हर्ब डालना है ना। कसूरी मेथी डाली है तो धनिया मत डालना, धनिया डाला है तो कसूरी मेथी मत डालना। और देखिए ये हो चुका है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम हमने ली है 2 टेबलस्पून यानी कि 1/2 कप। और इसका भी पूरा तेल छुटाना है, इसमें मसाले को इतना भूनना है कि तेल ऊपर आ जाए। देखिए ये मैंने इसलिए इसको ऐसे पकड़ा क्योंकि ओता बहुत है अपने ऊपर। अब बहुत अच्छे से मसाला भुना गया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मटर और पनीर, और थोड़ा सा मटर और पनीर डाल के भूनूंगी, फिर पानी डालूंगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला, और इसमें डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर सब्स्टिट्यूट है मावे का। जब हम मावा नहीं डालते तो मिल्क पाउडर डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। खूब अच्छे से ये भुन गया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा गरम पानी। पानी थोड़ा सा मैंने गरम करके रखा है। हमेशा जब भी पानी सब्जियों में डालना पड़ता है तो थोड़ा सा गरम करके डालें, तो कच्चा पानी इसमें नहीं आएगा। इसी तरह से बस गर्म पानी डाल के एक बॉईल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर, इसकी सिकाई, इसका टेस्ट, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा पनीर है वो फ्राइड है। अभी भी पुराने समय के लोग जो मटर पनीर बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं कि पनीर उसमें फ्राई हो। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखना, तेल निकल के बाहर आना चाहिए और कलर बहुत अच्छा आना चाहिए इसका, जो कि अपना सब कुछ हुआ है। धनिया हम इसमें सफिशिएंट डाल चुके हैं, सिर्फ एक मैं पत्ती गार्निशिंग के लिए यहाँ रख रही हूँ कि इस तरह से ये रहे। और देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत ही बढ़िया बना है। इसको हम तंदूरी रोटी, नान, पराठे, फुलके के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। ये घर में बनाने के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है मटर पनीर, जो ठंड के मौसम में हम ज़रूर घर घर में बनाते हैं।